अगर कैंसर हो भी जाता है तो हमें क्या करना है, कैंसर को यहाँ रोकना है, पहली स्टेज में रोकना है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का इलाज करना संभव है। पहली स्टेज में कैंसर को पहचान लेते हैं जिसका इलाज हो जाता है। और जो ये 10 प्रकार के दोगारे संकेत 200 प्रकार के कैंसर के शुरुआती लक्षण होते हैं, प्रारंभिक अवस्था के लक्षण होते हैं। यहाँ पे कैंसर को अगर हम पहचान लेते तो कैंसर का इलाज करना संभव है। अब ये 10 दोगारे संकेत 200 प्रकार के कैंसर के पहली स्टेज के प्रारंभिक लक्षण किस प्रकार से दिखाई देते हैं, इसको मैं आपको एक एक करके यहाँ समझा देता हूँ। लेकिन एक चीज का याद रखेगा, जब भी कैंसर के बारे में आप कुछ सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं, एक शब्द हमेशा जिसका संबंध कैंसर के साथ घनिष्ठ है, उस शब्दों को हमेशा अपने जीवन में याद रखेगा, गांठ बांध के रखेगा। उस शब्द का नाम है बेवजह, विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के, कोणता ही कारण नस्ताना, कोई भी कारण नहीं है और बिना किसी कारण के लगातार 20-25 दिनों से हमारे साथ ऐसी कोई क्रिया हो रही है और हमें दवाई लेने पे भी आराम नहीं लग रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेके एक बार अपना चेकअप करवा लेना है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था के लक्षण होते हैं। जैसे कि आंत या मूत्रा से की नियमित क्रिया में परिवर्तन होना, ना हमने कोई शादी पार्टी का खाना खाया, ना हमने कोई तीज त्योहार का खाना खाया, ना हमारे घर में कोई ऐसा खाना बना हुआ है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है और बिना किसी कारण के लगातार 20-25 दिन से हमारे साथ ऐसी कोई क्रिया हो रही है, आंत या मूत्रा से की नियमित क्रिया में परिवर्तन। पहले यूरिंग को जाते थे, एक स्ट्रोक में यूरिंग हो जाती थी, अभी 2-3 सेकंड रुकने के बाद यूरिंग होती है, यूरिन का कलर दिन में 2-3 बार चेंज हो रहा है, यूरिन से बदबू आ रही है और लगातार 20-25 दिनों से जलन हो रही है और दवाई लेने में कोई आराम नहीं लग रहा है, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेके एक बार चेकअप जरूर करवाना है। फ्यूचर में ये प्रोस्टेट कैंसर के भी लक्षण बन सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर मानव शरीर का सबसे खतरनाक कैंसर कहलाता है। इस लोकेशन में ये होता है जहाँ पे ना कीमो हो सकता है, ना रेडिएशन जा पाता है, ना उसको क्योर कर सकते हैं, इतनी स्पीड में बढ़ता है कि पूरे पेट को कवर कर लेता है। साथ ही साथ बार बार कब्ज या पतले दस्त होना, पतले दस्त नॉर्मल है, किसी किसी पतले दस्त रखते हैं, लेकिन पतले दस्त हमें जब रखते हैं 2-3 दिनों में ठीक हो जाते हैं दवाई लेने पे, क्या करें, लेकिन बिना किसी कारण के 20-25 दिनों से पतले दस्त लगे हुए, दवाई लेने में भी आराम नहीं लग रहा है, इस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह लेके एक बार अपने हड्डियों का चेकअप जरूर करवाना है। फ्यूचर में यही आंत का कैंसर या पेट के किसी कैंसर के भी लक्षण बन सकते हैं। साथ ही साथ शरीर पे कहीं भी सूखने वाला घाव, जैसे कि मुंह में छाले आना, जीभ में छाले आना या होंठ में छाले आना, अब छाले आना कॉमन है सर मैडम, किसी किसी को छाले आते हैं एसिडिटी के कारण, लेकिन एसिडिटी के छाले होते हैं ना, ये 2-4 दिनों में ठीक हो जाते हैं दवाई लेने पे, ये ऑटोमेटिक। लेकिन हमें सावधान कब होना है, ऐसा कोई छाला जो हमारे मुंह में लगातार 20-25 दिन से बना हुआ है, छाला दवाई लेने में भी ठीक नहीं होता है, छाला लगातार बढ़ते जा रहा है, छाले के अंदर से पसिया पानी निकलना शुरू हो गया है, छाले में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कोई छाला अगर कंटिन्यू दिखाई देता है 20-25 दिनों से, तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके एक बार अपने मुंह की बायोस्कोपी करवा लेना है। भविष्य में यही छाला माउथ कैंसर, टंग कैंसर या ओरल कैंसर का भी कारण बन सकता है। साथ ही साथ असामान्य रक्त स्राव, हमारे शरीर के जिस भाग से कभी ब्लडिंग ना निकली हो, अचानक वहां से ब्लडिंग शुरू होता, पल्स पाइल्स के फिशर की कोई बीमारी नहीं है, फिर भी रेटिंग के रास्ते से खून जाना, महिलाओं के पीरियड की डेट हर महीने चेंज होना, पीरियड की डेट नहीं है फिर भी ब्लडिंग लगातार शुरू रहना, ऐसा 15 दिनों से बिना किसी कारण के अगर कंटिन्यू हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह लेके एक बार गायनेकोलॉजी में जाके अपना रूटीन चेकअप जरूर करवाना है। भविष्य में ये गर्भाशय कैंसर, यवनी कैंसर, ये यवनी जाल के कैंसर के भी लक्षण बन सकते हैं। साथ ही साथ लंबे समय तक निकलने में कठिनाई होना, अब ये परेशानी आपके या मुझे हो सकती है, क्योंकि हमारा काम बोलने का है, मैं भी कभी कभी दिन में 2-3 लेक्चर देता हूँ, आप भी बच्चों के साथ कभी ज्यादा खेलना हो जाए, बोलना हो जाए, हमारे गले में कभी कभी परेशानी आती है सर मैडम, लेकिन हमारे गले की जो परेशानी है 2-3 दिनों में ठीक भी हो जाती है दवाई लेने पे, ऑटोमेटिकली नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें सावधान